Good morning, students. Welcome back to my online class. Today we are going to study fourth part of the enemy. So, आज हम लोग चौथा भाग देखने जा रहे हैं. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी करने का प्रयास करेंगे. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से की पत्नी हाना, सादाव की पत्नी जो है हाना, वो आकर के अपने पति को बोलती है कि किस तरह से हमारे जो नौकर लोग हैं वो हमसे अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से उन लोग देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस व्यक्ति के बारे में, इस अनजान व्यक्ति के बारे में हमको नहीं पता है, इस तरह से वो बोलती है. और उसके पश्चात उसके जवाब का सादाव किसी भी तरह का उत्तर नहीं देते हैं. सादाव डिड नॉट आंसर, मतलब सादाव उत्तर नहीं देते हैं. बट अ लिटल लेटर ही वेंट इनटू द रूम where the prisoner was and said brusquely. लेकिन थोड़ा देर बाद वह उस कमरे में जाता है जहां पर कैदी लेटा हुआ था, और उसने थोड़ा सा रुखे हुए स्वर में बोलता है, brusquely. Brusquely का अर्थ है रुखे स्वर में बोलता है, today you may get up on your feet. तो बोलता है कि आज तुम अपने पैर में खड़े हो सकते हो. I want you to stay. मैं चाहता हूं कि तुम खड़े हो जाओ. Up only 5 minutes at a time. वो भी केवल एक समय में केवल तुम 5 मिनट के लिए खड़े रह सकते हो. टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, और कल तुम दोबारा से इसका दोगुना कर सकते हो. एज लॉन्ग, मतलब आज तुम 5 मिनट के लिए खड़े रहो और कल तुम 10 मिनट के लिए खड़े रह सकते हो. इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल. तो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम जो तुम्हारा जो शक्ति है, तुम्हारा ऊर्जा है, उसको तुम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी संभव हो सके उतना उतना जल्दी तुम अपना शक्ति को तुम हासिल कर सको, पहले के समान बन जाओ. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. तो उन्होंने देखा, सादाव ने देखा एक भय का लहर, एक डर का भाव देखा. टेरर, टेरर का अर्थ होता है एक डर का भय देखा उसके चेहरे पर. ऑन द फेस, On the young face, तो उस नौजवान लड़की के चेहरे पर एक डर का भाव देखता है. That was still very pale, जो कि उसका चेहरा अभी तक बहुत पीला पीला ही था, अभी तक उसके जो खून है वह लौट करके नहीं आया था, और खून की रक्तविहीन के कारण उसका चेहरा अभी तक पीला दिखाई दे रहा था. पेल का अर्थ होता है पीला. Okay, the boy murmured. तो इस लड़के ने बड़बड़ाया. Murmured का अर्थ होता है बड़बड़ाना, ठीक है बोल करके. Evidently, he was determined to say more. तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था, या तो प्रत्यक्ष रूप से एविडेंटली, या तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा था कि वह दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय किया हुआ था. डिटरमिन्ड मतलब वह दृढ़ निश्चय किया हुआ था. टू से मोर कि वह और अधिक बोलना चाहता है. आगे देखते हैं वो क्या बोलता है. आई फील आई ऑट टू थैंक यू, मुझे लगता है कि मुझको आपको धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर. वह बोलता है कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए. For having saved my life, मेरा जिंदगी बचाने के लिए, मेरा जीवन बचाने के लिए. Don't thank me too early, Sadhav said coldly. तो सदाव ने उससे कहा कि मुझको बहुत जल्दी तुम धन्यवाद मत दो, मेरा आभार व्यक्त मत करो. सदाव ने उसको coldly, said coldly, मतलब थोड़ा सा तिरस्कारपूर्ण भाव से उसने उससे कहा. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. और इतना कहने के पश्चात उसने फिर से उस लड़के के चेहरे में उस डर का भाव, फ्लिकर ऑफ मतलब जो अचानक से जो भय दिखाई देता है उसको कहा गया फ्लिकर. फ्लिकर मतलब अचानक से जो आता है, फ्लिकरिंग मतलब जो लाइट बुझता है, जलता है, उसको कहा जाता है. लेकिन अचानक से जो भाव, डर का भाव उसके चेहरे में आया, उसको अभी वो देख सकता था. टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, तो वो भय जो कि जब किसी जानवर को कसाई के पास काटने के लिए ले जाया जाता है तो उस जानवरों के चेहरे में जो डर होता है, उस तरह का डर का भाव वो इस लड़के के चेहरे पर देखा. The scars on his neck were crimson for a moment. और वो जो निशान, घाव के जो निशान थे उसके गले के नीचे, वो और अधिक गहरा लाल हो गया था थोड़ा देर के लिए, क्योंकि उसके डर के कारण से रक्त का संचार और अधिक बढ़ गया था, और जिसके कारण जो है वो घाव का जो निशान था और अधिक गहरा हो गया था. क्रिम्सन मतलब गाढ़ा गहरा हो जाना. Those scares, what were they? Sadhav did not ask. तुम्हों ने देखा कि वो निशान क्या के निशान थे, और वो पूछना चाहता था सादाव, लेकिन वो उसके बाद में वो उसमें नहीं पूछता है इस लड़के से. In the afternoon, the second thing happened. तो इससे पहले हमने सोचा था कि उन्होंने एक टाइपराइटर कर रहा था, सब पुलिस का जो मुखिया है उसको इन्फॉर्म करने के लिए वो कुछ सूचना लिख रहा था, और उसके बाद दो घटना घटी थी.
तो कि सभी जो उनके नौकर लोग थे उन लोग घर छोड़ के चले गए थे, और उसके बाद ये दूसरा घटना क्या घटा हम देखते हैं आगे। इन द आफ्टरनून, तो 12 बजे के बाद द सेकेंड थिंग हैपेंड, दूसरा चीज हुआ, हाना वर्किंग हार्ड ऑन अकस्टम्ड लेबर, हाना जो है वह काम कर रही होती थी और अपने अनअभ्यस्त, अकस्टम्ड, कस्टम्ड का अर्थ होता है अभ्यस्त, लेकिन यहाँ अनअकस्टम्ड मतलब अपने अनअभ्यस्त हाथों से वो मेहनत कर रही है, क्योंकि अभी तक तो उनके नौकर लोग काम करते थे लेकिन अभी नौकर लोग छोड़ के चले गए हैं तो वह अब आदि नहीं है और वह भी काम कर रही होती है हाना। सो अ मैसेंजर, उन्होंने एक संदेश वाहक को देखा, मैसेंजर का अर्थ होता है संदेश वाहक को देखा, कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और वो कैसे आता है दरवाजे तक आता है, कम टू द डोर मतलब वो दरवाजे तक आता है, वो भी वो सरकारी वर्दी पहने हुए आता है, कम टू द डोर दरवाजे तक इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, ऑफिशियल यूनिफॉर्म मतलब सरकारी वर्दी पहने हुए आता है। हर हैंड्स वेंट वीक, उसको देख करके ये हाना का जो हाथ है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और उसकी सांस फूल जाती है और सांस लेने में उसको दिक्कत होता है क्योंकि उसको बहुत अधिक गैस आ गया। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, और वो सोचती है कि नौकरों ने जाकर के सब कुछ बता दिया। सी रैन टू सदाव, और वह सदाव की ओर दौड़ती है, गैस्पिंग, गैस्पिंग का अर्थ है हांफते हुए वह दौड़ती है क्योंकि दौड़ रही है, अनेबल टू अटर अ वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोल पाती है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, और तब उसके पीछे पीछे जो संदेश वाहक आया था वो भी उसका पीछे पीछे जा रहा था, और वो वहां पहुंच गया था गार्डन में, बगान में पहुंच गया था, थ्रू द गार्डन मतलब गार्डन से होकर के वो जा रहे थे तो बगान तक वो पहुंच चुका था। एंड देयर ही स्टूड, और वहां पहुंच के वो खड़ा हो गया। सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, तो अभी हाना जो है सदाव के पास पहुंच गई है और उसको हाथ से दिखा रही है, पॉइंटेड मतलब उंगली से दिखाना, हेल्पलेसली बहुत ही असहाय होकर के, हेल्पलेसली असहाय होकर के सदाव को दिखा रही है, मतलब उस संदेश वाहक को सदाव के साथ खड़े होकर दिखा रही है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, तो सदाव जो है अपने कमरे में थे, अपने ऑफिस कमरे में थे, वो कुछ पढ़ रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, और अपने पुस्तक से अपना नजर ऊपर उठा करके देखते हैं। ही वॉज इन हिज ऑफिस, तो सदाव जो है अपने ऑफिस कमरे में था, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, तो यहाँ उसके ऑफिस कार्यालय के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब उसकी किधर था, अदर पार्टीशन मतलब दूसरे दरवाजे तरफ, दूसरा दरवाजा था इसका जो कि किधर खुलता था, बगान की तरफ खुलता था, वो भी दक्षिणी बगान, दक्षिण की ओर, ताकि वहां पर पर्याप्त उसको प्रकाश मिल सके, तो इसके ऑफिस के बारे में यहाँ तक वर्णन है। व्हाट इज इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, तो क्या है ये, उसने संदेश वाहक को पूछा। एंड देन ही रोज, और वह उठ खड़ा हुआ, सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, क्योंकि वो जो आदमी था वो क्या पहना हुआ था, सरकारी वर्दी पहना हुआ था, उसको देख करके सदाव जो है खड़ा हो जाता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, तो मैन वो आदमी कहता है कि तुमको अभी अभी कहाँ आना है, पैलेस महल में आना है, पैलेस का अर्थ होता है महल, आपको महल में आना है। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, तो बोलता है कि जो हमारा बुजुर्ग जनरल है उसको दोबारा से अटैक आया है, वो दोबारा से उसको दर्द हुआ है, बोलता है। ओ हाना ब्रीट, इज दैट ऑल, तो हाना आपको अभी जान में जान आता है और बोलता है कि ऐसी बात है, इतना ही बोलता है, इज दैट ऑल मतलब इतना ही बात है, वो बोलती है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम, तो पूछता है इतना ही बात, तो ये जो संदेश वाहक था वो पूछता है इतना ही बात, क्यों इतना ही बात, इज इट नॉट एनफ, ये पर्याप्त नहीं है कि हमारा जो बुजुर्ग जनरल है वो इतना दर्द से पीड़ित है, वो इतना बोलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे डरी हुई थी, कौन, हाना डरी हुई थी, और इसी को पता है, इस मैसेंजर को पता नहीं है और वो क्या से क्या बोले जा रही है, क्योंकि वो इतना डर गई थी कि अपना सांस रोक के रखी थी, उसका सांस खुल गया था। इंडीड इट इज, और बोलती है हाँ हाँ ये पर्याप्त है, बोलती है, सी रिप्लाइड, और वो जवाब देती है, आई एम वेरी सॉरी, और इसके लिए अपना क्या बोलती हो इस डर और भय में, और उसके लिए उससे क्षमा मांगती है। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen. और जब अभी सदाव जो है ओल्ड जनरल के पास जाने से पहले उसको अलविदा कहने आए, गुड बाय बोलने आए, she was in the kitchen. और उस समय वो कहाँ थी, किचन में, but doing nothing, लेकिन वहां पर वो कुछ भी नहीं कर रही होती है। The children were asleep, बच्चे सो चुके थे, and she sat merely resting for a moment, और वह बैठी हुई थी, थोड़ा सा आराम कर रही थी। More exhausted from her fright and from work, और वह काम से तो उतना थकी हुई नहीं थी, लेकिन ये जो डर से वो और अधिक थक गई थी, डर से मतलब उसको और अधिक थकान महसूस हो रहा था। I thought they had come to arrest
तो अभी सदाव से बोलती है कि मैंने सोचा कि वे लोग तो तुमको गिरफ्तार करने आए हैं, मैंने ऐसा सोची, हाना बोलती है। He gazed down into her anxious eyes, और जब सदाव है वो एकटक देखता है, gazed down, उसके आंखों में एकटक देखता है, her anxious eyes, जो कि उसके चिंतित आंखों में वो एकटक देखता है। I must get rid of this man for your sake, he said in distress, और वह दुखित होकर के बोलता है कि मैं इस व्यक्ति से जरूर छुटकारा पाऊंगा, वो भी तुम्हारे लिए। गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है छुटकारा पाना, इस मैन इस व्यक्ति से, फॉर योर सेक मतलब तुम्हारे लिए मैं इस व्यक्ति से जरूर छुटकारा पाऊंगा, उसने दुखित होकर के बोलता है। समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, किसी भी तरह मेरे को इस व्यक्ति से क्या करना होगा, छुटकारा प्राप्त होना हो करना होगा, ये बोलता है। फिर उसके बाद सादाओ गोस टू सी द जनरल, क्योंकि वो डॉक्टर है और इसको अटैक हुआ है, हार्ट अटैक या कुछ आया है किसको, वो बुजुर्ग जनरल को, और इसलिए उसको उसके पास चला जाता है वो। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पहुंचने के पश्चात शायद सब कुछ बता दिया है, जो घटना घटी है कि उसके पास एक कैदी आया हुआ है, अमेरिकन कैदी उसके घर में है, इन सब घटना के बारे में, सब कुछ के बारे में सदाव जो है उस ओल्ड जनरल को सब कुछ बता दिया है, और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, मतलब बोलता है निसंदेह, जनरल ने कहा बहुत ही धीमा स्वर में, वीकली मतलब थोड़ा बहुत ही धीरे आवाज में कहा, क्योंकि वह कमजोर है और इसलिए धीमी आवाज में कहा कि निसंदेह आई अंडरस्टैंड फुली, तो बोलता है मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को, क्योंकि उन्होंने स्टोरी बता दिया है और इसलिए बोल रहा है कि मैं इस बात को समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ बोल रहा है। बट दैट इज बिकॉज, और इसलिए समझता हूँ क्योंकि आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, क्योंकि बोलता है क्योंकि मैंने जो डिग्री लिया है, जो मैंने पढ़ाई की है, वो प्रिंसटन में लिया है। प्रिंसटन अमेरिका में एक जगह है और वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है बहुत फेमस है, और वहाँ अधिकतर लोग अपना डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो ये जनरल भी वहाँ पर अपना डिग्री लिया हुआ है। सो फ्यू जापानीज हैव, जो कि जापानीज के बहुत कम लोग वहाँ से इस डिग्री को प्राप्त किए हैं, वैसा है वो ऐसा कहता है, और इसीलिए हम मैं अच्छी तरह से समझता है बात को बोल रहा है। आई केयर नथिंग फॉर मैन एक्सेलेंसी सदाव सेड, तो सदाव बोलता है कि महामहिम एक्सेलेंसी मतलब श्रेष्ठतम, या तो महामहिम जो बड़े लोग हैं, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उनके लिए शब्द का प्रयोग कहा जाता है, इन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो महामहिम बोल रहा है मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी परवाह नहीं करता हूँ, आई केयर नथिंग मतलब उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी मैं परवाह नहीं करता हूँ बोल रहा है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम, लेकिन उस पर उसका ऑपरेशन करने के पश्चात विद सच सक्सेस, और वो भी इतनी सफलता के बाद, क्योंकि उसकी जान बच गई, बोलता है उतना बोलते ही रहता है, और उसके बाद हम डैश डैश देखते हैं, मतलब बीच में ही जो ओल्ड जनरल है उसकी बात को काट देता है और बोलता है यस यस द जनरल सेड, हाँ, जनरल बोलता है इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, तो वो अपना वो अपनी कहानी बता रहा है कि इस ये सभी बातें सुनकर के मेरे को और अधिक लगता है कि मैं तुम्हारे बिना मैं नहीं रख सकता हूँ। इट ओनली मेक्स मी फील, तो मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि तुम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो, इनडिस्पेंसिबल मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इन अनअवॉइडेबल, या तो इतना तुम मेरे लिए, इस बात से मेरे को पता चलता है या तो मेरे को एहसास होता है कि तुम मेरे कितने महत्व हो, ऐसा वो बोलता है। इविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड, तो बोलता है निश्चित रूप से, एविडेंटली मतलब ये प्रमाण है कि तुम किसी की भी जिंदगी बचा सकते हो, यू कैन सेव एनीवन मतलब किसी की भी जिंदगी तुम बचा सकते हो, सेव का अर्थ होता है बचाना, यू आर सो स्किल्ड क्योंकि तुम बहुत अधिक निपुण हो, यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, यू से, तो उसको पूछ रहा है, इसको सदाव को बोल्ड जनरल पूछ रहा है, तुम बोलो यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, आई कैन स्टैंड, क्या मैं और इस तरह का जो अटैक मेरे को आज आया है, क्या इसी तरह का कोई एक अटैक और मैं क्या झेल सकता हूँ, बोलता है। तो नॉट मोर देन वन, सदाव से सदाव को सोच के बोलता है नहीं, आप और एकाक अटैक ही इस तरह का आप झेल सकते हैं, और उससे अधिक तो आप नहीं झेल सकते हैं, सदाव कहता है। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, यहाँ ओल्ड जनरल बोलता है तब तो निश्चित है, सर्टेनली मतलब निश्चित है कि मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर उस जो कैदी है उससे कोई लेना देना है नहीं है जनरल को, जनरल तो अपना स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, अगर डॉक्टर को कुछ हो गया, सदाव को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, इस तरह का वो भाव लिए हुए सोच रहा है, इसलिए अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है, ताकि सदाव को कुछ भी ना हो और उसका जीवन भी बचा रहे, इसलिए वो बोल रहा है देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, और इसलिए मैं निश्चित है कि मैं तेरे को कुछ
भी नहीं होने दूंगा, बोल रहा है। द जनरल सेड विद एंजाइटी, तो कुछ चिंतित होकर के जनरल ने ऐसी बात कही। His long pale Japanese face became expressionless, और उसका जो लंबा और खून रहित है ना, रक्त रहित, पेल मतलब पीला हो गया था, जब खून नहीं रहता है, रक्त की कमी हो जाती है तो पीला चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में ऐसा होता है। उसका रक्त विहीन जापानीज चेहरा जो था वो कैसा था, थोड़ा लंबा था। बिकेम एक्सप्रेशनलेस, और उसमें किसी भी तरह का भाव नहीं दिखाई दे रहा था, किसी तरह का भाव नहीं दिखाई दे रहा था। दिस मेंट दैट ही वॉज इन डीप थॉट, और जिसका अर्थ ये हुआ कि वो किसी गहरे सोच में डूब गया था। डीप थॉट, डीप का अर्थ होता है गहरा, थॉट का अर्थ होता है सोच, किसी गहरे सोच में वो हो गया था। यू कैनॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आईज, तो अपनी आंख बंद करते हुए जनरल ने कहा तुम कभी गिरफ्तार नहीं हो सकते हो। कैनॉट बी अरेस्टेड, तुम कभी गिरफ्तार नहीं हो सकते हो। सपोज यू वेर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो अगर तुमको मतलब मृत्यु की सजा सुना दी जाती है। कंडेम्ड मतलब आप पर अपराध दर्ज हो जाता है, वो भी क्या मृत्यु का। एंड द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन, मान लो कि आपको मृत्यु की सजा सुना दी जाती है और अगर मेरे को दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन करना हो तो ऐसा वो अपने खुद के बारे में सोच रहा है और इसलिए बोलता है कि तुमको किसी भी हालत में तुम्हारा गिरफ्तारी नहीं होगी। देर आर अदर सर्जन एक्सेलेंसी, सदाव सजेस्टेड, इस बात पर सदाव बोलता है कि महामहिम यहाँ तो और भी ऐसे बहुत सारे सर्जन है जो कि आपका ऑपरेशन कर सकते हैं, ऐसा बोलता है। नन आई ट्रस्ट, जनरल रिप्लाइड, लेकिन जनरल बोलता है, कर देता है कि मैं उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं करता हूँ। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, नन मतलब मैं उन पर विश्वास ही नहीं कर सकता हूँ, बोलता है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, तो बोलता है जितने भी तुम अच्छे डॉक्टर हैं वो बता रहे हो वो सभी प्रशिक्षण लिए हुए कहाँ से, जर्मन लोगों के द्वारा, या तो जर्मनी में जाकर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, बोल रहे हैं। एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल, और उनके लिए ऑपरेशन सफल हो जाता है, इवन इफ इट डाइड, Even if I died, तो उन लोग यही बोलते हैं कि अगर ऑपरेशन करते हैं और अगर मैं मर भी गया, लेकिन उनके लिए ऑपरेशन क्या रहता है, सक्सेसफुल रहता है, उनके लिए सफलता, ये इसी को उन लोग अपना सफलता बोलते हैं। I do not care for their point of view, तो यहाँ पर बोलता है हालांकि मेरे को उनके विचार का मेरे को कोई भी परवाह नहीं है। I do not care मतलब उनके विचार का मेरे को कोई परवाह नहीं है, बोलता है। इस साइड, और इसके पश्चात वो आम भरता है। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. तो बोलता है old general कि it seems a pity मतलब ऐसा दयनीय प्रतीत होता है। Seems का अर्थ होता है प्रतीत होना, pity का अर्थ होता है दयनीय, मतलब ये बहुत ही दयनीय दिखता है। That we cannot better combine, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से नहीं जोड़ सकते हैं। The German ruthlessness कि जर्मन लोगों का जो निर्दयता है, कितना निर्दयता, निष्ठुर होते हैं हम लोग, किसी पर दया रहम नहीं करते हम लोग, उसको द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी, और अमेरिका के जो लोग, उन लोग कैसे होते हैं, थोड़ा सा सहानुभूति प्रदान करते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, तो दोनों को हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं। अगर दोनों को हम लोग जोड़ पाते तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे बोलता है। मतलब जर्मन लोगों का जो निष्ठुरता होता है, किसी के प्रदया नहीं दिखाते हैं, और अमेरिकन लोगों का जो सेंटिमेंटालिटी है, उन लोग किससे सहानुभूति दिखाते हैं, अगर दोनों भाव हम लोगों के में होता तो कितना अच्छा होता, बोलता है। देन यू वुड कैरी योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, इसलिए बोलता है अगर आपको ऊपर ये दोनों भाव होते तो आप जो अपने कैदी को मतलब मृत्यु के लिए हैंड ओवर कर देते, मृत्यु के लिए आप उसको सुपुर्द कर देते, बोलता है। अगर ये मतलब दोनों भावना होता तो यू कुड टर्न योर प्रिजनर, मतलब तुम्हारा जो कैदी है घर में पड़ा हुआ है उसको तुम एग्जीक्यूशन मतलब मृत्यु के हवाले कर देते। एंड येट, और इसके बावजूद भी, आई कुड बी श्योर, मेरे को, मैं निश्चित हो जाता, यू वुड नॉट मर्डर मी, कि आप मेरे को मेरा हत्या नहीं करते। While I was unconscious, जब मैं क्या था, अचेत, मैं केवल जब अचेत था उस समय आप मेरा भी हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकन लोगों की तरह आप में क्या हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। The general laughed, और ऐसा बोलने के बाद जो है जनरल हंसता है। He had an unusual sense of humor, तो उसके पास प्रायः इस तरह का बीच बीच में वो मतलब मजाक किया करता था। As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked, और उसके पश्चात तो पूछता है एक जापानी व्यक्ति एक जापान के व्यक्ति की तरह सोचो, क्या तुम इन दो जो तत्व हैं, है ना, एक निष्ठुरता और दूसरा सहानुभूति, क्या इन दोनों तत्वों को क्या तुम एक साथ नहीं जोड़ सकते हो? आज उसने पूछा, क्या एक दोनों को तुम एक साथ नहीं रख सकते हो? सदाव स्माइल्ड, तो सदाव थोड़ा सा मुस्कुराता है
आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बोलता है ही सेड, तो वह कहता है कि मैं उतना निश्चित तो नहीं हूँ, बट फॉर योर सेक, लेकिन आपके लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, मैं इसको प्रयास करने का प्रयत्न करूंगा, एक्सेलेंसी महामहिम बोलता है। द जनरल शुक हिज हेड, और जनरल जो है बदले में अपना सिर हिला देता है। सुख का अर्थ होता है सिर हिलाना। आई हैड रादर नॉट टू बी द टेस्ट केस, तो बोलता है मैं ऐसा कोई परीक्षा नहीं लेने वाला हूँ, उसने कहा। He felt suddenly weak, और उसको थोड़ा सा क्या होता है, कमजोरी का आभास होता है, and overwhelmed, overwhelmed का होता है किसी चीज से भर जाना, overwhelmed मतलब किसी भी चीज से भर जाना उसको कहा जाता है overwhelmed, with the cares of his life, क्योंकि वह अपना जिंदगी की देखभाल करते करते, cares का अर्थ होता है देखभाल, अपने खुद की जिंदगी की देखभाल करते करते वो थक चुका था, as an official, और एक अधिकारी के रूप में, In times such as this, उस समय में जैसे कि इसमें बहुत अधिक वहां पर क्या हुई थी, जीत हुई थी सेना के द्वारा, रिपीटेड विक्ट्री मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उनको सेना को जीत मिली थी, ब्रॉट दिस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसीलिए उसके ऊपर और अधिक क्या बढ़ गया था, जिम्मेदारी बढ़ गया था, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब बहुत अधिक जिम्मेदारी बढ़ गया था, ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, यहाँ तक कि पूरा दक्षिणी दक्षिणी प्रशांत तक, प्रशांत क्षेत्र तक उसका जिम्मेदारी बढ़ गया था, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों को उनके सैनिक लोग जीत गए थे, और इसके कारण वहां तक उसका जिम्मेदारी अभी बढ़ गया था। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोरस्टेप, ही सेड टेरिबली, तो वह थोड़ा सा नाराज होते हुए, ही सेड टेरिबली, इरिटेबली मतलब थोड़ा सा नाराज होते हुए वो बोलता है कि ये कितना मतलब बुरा हुआ, is very unfortunate matlab kitna bura hua ya badkismat hua that this man should be have washed up on your doorstep, ki ye vyakti jo hai tumhare darwaze ke paas hi isko aana tha, matlab kitna bura hua bolta hai wo. I feel it so myself, sadav said gently, aur sadav vinamrata purvak uska jawab deta hai, gently matlab vinamrata purvak, mere ko bhi aisa hi lagta hai, I feel it so myself, matlab mere ko bhi aisa hi lagta hai, sadav ne badi hi vinamrata se jawab diya. It would be best if he could be quietly killed, the general said. तो जनरल उसको सलाह दे रहे हैं, यही अच्छा होगा अगर उसको चुपचाप से क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, किसको, उस अमेरिकन कैदी को, not by you, और उसमें तुम नहीं मारोगे, but by someone who does not know him, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो कि उसको नहीं जानता है. I have my own private assassins, वो आगे बता रहा है कि मेरे पास मेरे खुद के private मतलब मेरे खुद के assassins, assassins मतलब हत्यारे, हत्यारे लोग हैं, मतलब जिसको कि मतलब सुपारी देकर के हम मारने के लिए मतलब बोला जाता है, उसको कहा जाता है assassins, मतलब सुपारी देकर के उसको मार डालना, या 50 लाख ले जाओ और उसकी हत्या कर देना, इस तरह सुपारी देके किसी को मरवा डालते हैं, उन लोगों को कहा जाता है assassins. तो जनरल के खुद के भी क्या थे, हत्यारे रखा हुआ था उसने. सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, तो बोल रहा है कि मान लो अगर मैं उन दो तो हत्यारों को तुम्हारे घर आज रात को भेज दूं, या तो किसी भी रात को भेज दूं, बोल रहा है you need know nothing about it, और तुमको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होगा. It is now warm, क्योंकि बोल रहा है अभी तो गर्मी का मौसम शुरू ही हो गया है. What would be more natural, तो इससे और अधिक प्राकृतिक क्या हो सकता है, then that you should leave the outer partition, क्योंकि तुमको जो बाहर का दरवाजा है उसको क्या करना है, खोल के रखना है, of the white मैंस रूम, और जहां पर ये श्वेत व्यक्ति सोया हुआ है, और जो किधर निकलता है, दरवाजे तरफ जिसका बगान की तरफ जिसका दरवाजा है, टू द गार्डन मतलब बगान की तरफ जिसका दरवाजा है, व्हाइल ही स्लीप्स जब वह सो जाता है, तो बगान की तरफ का जो दरवाजा है उसको खुला रखना बोलता है. मतलब प्लानिंग बना रहे हैं कि ये मतलब गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में तो ऐसे भी मतलब दरवाजा खुला रहता है, तो जो श्वेत व्यक्ति है उसका कमरा का दरवाजा जो कि बगान की तरफ खुलता है, उसका दरवाजा तुम खोल के रखना जब वो सो जाता है, तो बोल रहे हैं. Certainly it would be very natural, सदाव agreed, तो सदाव सहमत हो जाता है और बोलता है इससे ही ये बहुत ही क्या होगा, प्राकृतिक होगा. In fact, और सही बात तो ये है, बोलता है it is so left open every night, तो बोल रहा है कि ये दरवाजा तो पूरा रात ऐसे ही खुला रहता है, बंद ही नहीं करते हैं, बोल रहे हैं. गुड, द जनरल सेड वार्निंग, तो जनरल बोलता है बहुत अच्छा, और वह ऐसा बोल करके क्या बोलता, क्या करता है, योनिंग, योनिंग का अर्थ होता है जंभाई लेना, जंभाई लेते हुए बोलता है गुड, बहुत अच्छा. दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स, तो वह अभी उन हत्यारों के बारे में बता रहा है कि उन लोग जो है बहुत ही मतलब योग्य हत्यारे लोग हैं, बोलता है. दे मेक नो नॉइस,
तो वे किसी भी तरह का आवाज नहीं करते हैं, एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, और वे इस तरह का तरकीब जानते हैं, इस तरह का ट्रिक जानते हैं जिससे कि रक्त का स्राव भी बाहर नहीं होगा लेकिन इनवर्ड ब्लीडिंग मतलब रक्त अंदर ही अंदर बहेगा। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं उसका शरीर भी वहां से हटवा सकता हूँ, हत्या करने के बाद उसका शरीर भी हटवा सकता हूँ, बोल रहे हैं। सदाव कंसिडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी ही अग्रीड। सदाव कंसिडर, सदाव ने अभी सोचा, कंसिडर मतलब सोचा, और उसने कहा दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, और ये बहुत अच्छा रहेगा महामान्यवर, महामहिम, वही अच्छा रहेगा, बोल रहा है। ही अग्रीड, वह सहमत हो गया। थिंकिंग ऑफ हाना, क्योंकि उसको अपनी पत्नी हाना का भी चिंता है और कितना वो मतलब नर्वस थी। He left the general's presence, then he went home. और अभी जनरल के घर का वो छोड़ चुका है, जनरल्स प्रेजेंट मतलब जनरल का घर, इलाज करने के बाद उसके घर से वो चला गया है। Then and went home, और वो घर चला गया अपना खुद का घर। Thinking over the plan, और इस योजना के बारे में वो सोचते जा रहा है। In this way, the whole thing would be taken out of his hands, और इस तरह से तो उसका सब सब मामला उसके हाथ से निकल जाएगा, बोल रहा है। In this way, the whole thing मतलब पूरा जो मामला है would be taken out of his hands, तो उसके हाथ से मामला निकल जाएगा। He would tell Hannah nothing, और बोल रहा है कि वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। Since she would be timid, क्योंकि वह ऐसे बातों को सुनकर के वह डर जाएगी। Timid का अर्थ होता है डर जाना। At the idea of assassins in the house, ये विचार से क्योंकि उनके घर में क्या होने जा रहा है, ये जो हत्यारे हैं उन लोग आएंगे और वहां हत्या करेंगे, तो इस विचारों से वो थोड़ा सा घबरा जाएगी, डर जाएगी। And yet, certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. तो वह अभी सोचने लगता है भाई ये जो जनरल है कैसे मतलब ये हत्यारे अपना प्राइवेट निजी हत्यारे रख सकता है, और वो सोचने लगता है ये certainly such person, तो ऐसे लोगों की मतलब निश्चित ही जरूरत होती है, वो essential मतलब ये लोग महत्वपूर्ण है क्या के लिए, in an absolute state such as Japan was, जिस तरह से जापान एक तरह का क्या था, absolute state था। absolute state मतलब वहां हमारी तरह, हमारे भारत देश की तरह प्रजातंत्र नहीं है जहाँ की मतलब पब्लिक लोग, जनता वहाँ मतलब जनप्रतिनिधि चुनती है और उन लोग शासन करते हैं, लेकिन वहाँ एक निरंकुश शासन चलता है मोनार्की की तरह। मोनार्की में जहाँ पे राजा शासन करता है और राजा जो भी बोल दिया प्रजा को उसको सुनना पड़ता है, और जो भी विरोध करता है उसको उसको उन लोग क्या करते हैं, उसका हत्या करवा देते हैं। तो निरंकुश शासन के लिए, जैसे कि जापान उस तरह था, निरंकुश शासन में ऐसे लोगों की तो जरूरत होता है। कौन सोच रहा है, डॉक्टर सदाम। How else could rulers deal with those who oppose them? नहीं तो कैसे ये जो शासक लोग हैं, rulers मतलब हमारे जो शासक लोग हैं, शासन करते हैं, इन लोग कैसे मतलब शासन चला पाते हैं उन लोगों का जो इनका विरोध करते हैं, है ना, जो इनका विरोध करते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं शासक लोग, इनको कुछ बदमाश बदमाश इन लोग पाले हुए हैं और उनके माध्यम से इनका हत्या करवा देते हैं, तो इसीलिए इन लोग क्या करते हैं शासन चला पाते हैं, ऐसा कौन सोच रहा है, सदाव सोचता है। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind. तो वह अपने मन के, अपने दिमाग का वातावरण में किसी भी तरह का दूसरा सोच को आने नहीं दे रहा है। एटमोस्फियर मतलब वातावरण, तो उसके दिमाग के वातावरण में अपने दिमाग में उस तर्क के अलावा, रीजन में मतलब इस तर्क वितर्क के अलावा किसी दूसरी सोच को आने ही नहीं दे रहा है। As he went into the room, जैसे कि वह कमरे में गया, उस कमरे में where the American was in bed, जहां पर अमेरिकन कहां पर था, बिस्तर पर था। But as he opened the door, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, to his surprise, he found the young man out of bed, और उसको आश्चर्य हुआ वहां पर बिस्तर में जो जवान आदमी था वो नहीं था, out of bed मतलब बिस्तर से बाहर था वो। And preparing to go into the garden, और वो तैयारी कर रहा था, preparing मतलब तैयारी कर रहा था, to go into the garden, कहां जाने के लिए, बगान में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। What is this? he exclaimed, तो बोला ये क्या है, उसने मतलब जोर से सीखा, कौन सदा। Who gave you permission to leave your room? बोल रहा है कि किसने तुमको अनुमति दी अपना कमरा छोड़ने के लिए। I am not used to waiting for permission, Tom said gaily. तो टॉम जो है, इसका नाम क्या है, टॉम, उसने बहुत ही मतलब खुश खुश होते हुए कहा, गेली, गेली का अर्थ है खुश होते हुए कहा, वो खुश होते हुए बोल रहा है कि मेरे को किसी के परमिशन का इंतजार करने का आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू मतलब मेरे को अभ्यस्त नहीं हूं मैं, वेटिंग इंतजार करने का, किसी के परमिशन का इंतजार करने का मेरे को आदत नहीं है, बोल रहा है। और वो कैसे बोल रहा है, थोड़ा सा खुश होकर के बोल रहा है। बॉस आई फील प्रीटी गुड अगेन,
तो ये गोस, ये जो शब्द है गोस मतलब एक तरह का एक्सप्रेशन है, जब व्यक्ति कई तरह से या तो नर्वस हो जाता है या तो बहुत खुश हो जाता है, तो उसके चेहरे में एक तरह का मतलब जो भाव दिखता है उसको कहा जाता है गोस। आई फील प्रीटी गुड अगेन, तो बोल रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज, बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन ये जो मसल है, मसल मतलब मसल, ऑन द साइड ऑलवेज फील स्टिफ, ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ का अर्थ होता है बहुत अकड़ा हुआ लग रहा है, कड़ा कठोर महसूस कर रहा है। जो मांसपेशियां है, मसल्स का अर्थ होता है मांसपेशियां, तो इधर का मांसपेशियां जो है मेरे को थोड़ा सा कैसे लग रहा है, बोल रहा है बहुत कठोर लग रहा है, थोड़ा सा अकड़ा हुआ लग रहा है, बोल रहा है। इज इट सो, सदाव इनक्वायर्ड, और सदाव बोलता है ऐसे क्या, और वह पूछताछ करता है, सरप्राइज आश्चर्य होकर के वो उसको पूछता है। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और वह सब कुछ जो अभी सोचता रहा था सब कुछ को क्या कर दिया, वो भूल गया। Now I thought I had provided against that, he murmured. और वह थोड़ा सा बड़बड़ाता है कि मैंने सोचा कि मैंने उसके विरुद्ध काम किया है। I had provided against that, मतलब उसके विरुद्ध काम किया है, मतलब उसके विरुद्ध क्या किया है, उन्होंने प्लानिंग बनाया है किसके साथ, जनरल के साथ, हुजूर जनरल के साथ उन्होंने प्लानिंग बनाया है उसकी हत्या का, और इसलिए बोलता है मैंने सोचा कि इसके विरुद्ध में मैंने काम किया है। वो थोड़ा सा बड़बड़ाता है। He lifted the edge of the man's shirt, edge, edge का अर्थ होता है किनारा, किनारा होता है, तो उन्होंने उस आदमी का जो शर्ट पहना हुआ था उस शर्ट का किनारा को उठाता है, लिफ्टेड मतलब उठाता है, एंड गेज्ड, और एक टक देखता है, एट द हीलिंग वुंड्स, जो घाव ठीक हो रहे थे उस घाव को वो एक टक देखता है। मसाज में डू इट, ही सेड, और वो बोलता है कि इसको थोड़ा सा मालिश करने से ठीक हो जाएगा। मसाज का अर्थ होता है मालिश करना, तो थोड़ा सा मालिश करने से ठीक हो जाएगा बोलता है। इफ एक्सरसाइज डजंट, अगर व्यायाम से, एक्सरसाइज का अर्थ तो होता है व्यायाम, अगर एक्सरसाइज से या व्यायाम से ये ठीक नहीं होता है तो थोड़ा सा मसाज करने से ठीक हो जाएगा बोलता है। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, यंग मैन सेड, तो ये जो नौजवान लड़का था बोलता है कि इससे मेरे को अधिक परेशानी नहीं होता है, उसने कहा। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टैबली ब्लॉन्ड बियर्ड, उसका जो यंग फेस, उसका जो नौजवान चेहरा था वो कैसा था, गॉन्ट, गॉन्ट का अर्थ दुबला पतला था, अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, स्टबली मतलब जो बाल, क्योंकि उसका दाढ़ी था बहुत दिन से, वो उसका सेविंग नहीं किया था, नहीं काटा था, और इसलिए वो थोड़ा सा काटा काटा के समान उग आया था, है ना, जब दाढ़ी थोड़ा बढ़ जाता है तो गड़ता है, तो ऐसे ही स्टबली मतलब वो दाढ़ी उसका बढ़ गया था, और उसका ब्लॉन्ड मतलब कुछ सुनहरे रंग का, क्योंकि ये विदेशी है, अमेरिकन है, और उसका दाढ़ी कैसे रंग का था, तो सुनहरे रंग का था, और वो थोड़ा सा मतलब बढ़ गया था, काटे काटा हो गया था, और उसके चेहरे पर, उसके दुबले पतले चेहरे पर। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, तो बोल रहा है कि डॉक्टर को बोल रहा है कि मेरे पास कुछ कहने के लिए है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोल रहा है। इफ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टूडे, तो बोल रहा है अगर मैं आपके तरह एक जापानीज को नहीं मिला होता, इफ आई हैडंट मेट, अगर मैं नहीं मिला होता, जैप लाइक यू, जैप अर्थ होता है एक जापानीज को, जैसे कि तुम्हारे तरह नहीं मिला होता, वेल ठीक है, आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो मैं आज मैं जिंदा नहीं होता, अलाइव का अर्थ होता है जिंदा होना, तो मैं आज जिंदा नहीं होता होता है। आई नो दैट, और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। सदाव बाउड बट ही वुडंट स्पीक, और सदाव जो है सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका देता है, लेकिन वह नहीं बोल पाता है, couldn't speak मतलब वो कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसका जो प्लानिंग चल रहा है वो तो उसको मार डालने का है, और इसलिए कुछ नहीं बोल पाता है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, लेकिन यहाँ पर जो टॉम है वो बात करते जा रहा है, श्योर मतलब ये निश्चित है और मैं जानता हूँ बोल रहा है, और उसने बड़े जोश में बोले जा रहा है, वार्मली मतलब बड़े जोश के साथ वो बोले जा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसको बोल रहा है। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles, और उसके जो बड़ा हाथ, big का जो बड़ा सा हाथ था, और वो बहुत पतला हाथ था, ग्रिपिंग वो पकड़ रहा, पकड़ उससे पकड़ा था वो, ग्रिपिंग करता है किसी चीज को पकड़ना, क्या को पकड़ा था वो, शेर को पकड़ा था। वेयर व्हाइट एट द नकल्स, और उसके हाथ में जो उंगली, उंगली का ऊपरी सिरा को कहा जाता है नकल्स, है ना, उंगली का जो ऊपरी सिरा होता है उसको नकल्स कहा जाता है, तो वो कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत ही दुबला पतला था, और दुबला पतला और नकल्स व्हाइट, उसका जो उंगली का ऊपरी भाग में थोड़ा सा सफेद दिखाई दे रहा था। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वेर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वार, तो बोलता है मैं कल्पना करता हूँ या मैं सोचता हूँ, इफ ऑल द जैप्स, अगर सभी जापानी लोग,
अगर तुम्हारी तरह होते देर वुडंट हैव बीन अ वार, तो यहाँ पर कुछ भी युद्ध नहीं होता, किसी भी तरह का युद्ध नहीं होता, ये लड़का बोलता है। परहैप्स सदा सेड विद डिफिकल्टी, तो बड़े मुश्किल से सदा बोलता है कि शायद, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, क्योंकि वो ऐसा लंबा बातें करते जा रहा है और क्योंकि उसको दिक्कत हो रहा है किसको, सदा को, और इसलिए वो बहाना बनाता है और बोलता है कि मैं वही सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अभी तुम कहाँ से ले जाओ, बिस्तर पर जाके लेट जाओ, बोलता है गो बैक टू बेड, मतलब बिस्तर पर जाके सो जाओ। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड, और उसको उस बिस्तर पर सुलाने में उसकी मदद करता है। एंड देन बाउड, जो इनका कस्टम होता है, उन लोग एक दूसरे को नमस्ते मतलब सिर झुका करके कहते हैं, तो उन्होंने सिर झुका करके उसका अभिवादन किया, बाउड मतलब सिर झुकाया। गुड नाइट ही सेड, और उसने उसको शुभ रात्रि कहा। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और सदाव जो है उस रात को बहुत अच्छे से नहीं सो पाया, बैडली मतलब बहुत उसका नींद जो है बहुत खराब था उस दिन, वो अच्छे से नहीं सो पाया उस रात। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, उस बार बार रात को वह जाग जाता था, वॉक मतलब जाग जाता था। थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स, ऐसा सोच करके उसने आवाज सुना है, क्या क्या रसलिंग, सरसराते हुए, है ना, रसलिंग का अर्थ है पत्ता का आवाज, जिस तरह से पत्ते रहते हैं और हम वहां चलते हैं तो जैसा आवाज होता है उस तरह का, उसमें पत्तों की आवाज में मतलब किसी के पद चाप, फुट स्टेप्स मतलब किसी के पद चिन्ह के मतलब सरसराते हुए आवाज को उन्होंने सुना। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, और टहनों को टूटने की आवाज को उसने सुना। ट्विग, ट्विग का अर्थ होता है टहनी, तो टहनियों के, पाइन के जो पेड़ थे उसकी टहनियों के टूटने का आवाज को सुना। और स्टोन डिस्प्लेस्ड, या तो पत्थर कहीं खिसक गया है, डिस्प्लेस मतलब अपने जगह से दूसरी जगह खिसक गया, उसकी आवाज को सुना। कहाँ पर? बगान में। तो ऐसा हमको लगता है, हमको कई तरह का मतलब आभास होता है, जब व्यक्ति डरता है तो कई तरह की आवाज मतलब मन में हलचल रहती है और उसे सुनाई देने लगता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है किसके साथ? सदाव के साथ, क्योंकि उस रात को कौन आने वाले हैं? हत्यारे लोग आने वाले हैं जिनको कि सुपारी दिया गया है। A noise such as men might make who carried a burden, और एक तरह का आवाज जो कि आदमी लोग करते हैं, such as men might make, जो कि आदमी लोग करते हैं जब उन लोग किसी वजनदार वस्तु को ढोते हैं, उस समय जो आवाज आता है उस तरह का आवाज उसको सुनाई दे रहा है। बर्डन, बर्डन मतलब बोझिल वस्तु को, कैरिड जब किसी बोझ को उन लोग ढो करके चलते हैं तो उस समय जो आवाज होता है उस तरह का आवाज भी उसको सुनाई दे रहा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम, तो वह जब दूसरे दिन सुबह हो गया, अपनी पत्नी को थोड़ा बहाना बनाता है, एक्सक्यूज मतलब यहाँ बहाना बनाता है कि वह सबसे पहले कहाँ जाए, उस कमरे में जाए जहाँ पर कि अमेरिकन को मतलब उसने छुपाया हुआ है। इफ द अमेरिकन वेयर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, अगर अमेरिका को, अमेरिकन व्यक्ति को वहां को उसकी हत्या कर दी गई है और उसका शरीर को हटा दिया गया है, वो सिंपली मतलब सीधे बता देगा हन्ना को कि एक इसका आइडिया था, जनरल का आइडिया था, वैसे बता देगा वो, ऐसा वो सोच रहा है। बट वेन ही ओपन द डोर, लेकिन जब वह दरवाजा खोला, ही सो, उन्होंने देखा एट वंस अचानक से, दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द साइबी ब्लॉन्ड डेड, साइबी ब्लॉन्ड हेड, जब उसने दरवाजा खोला तो तुरंत उसने देखा वहां पर वो जो पिलो, पिलो का अर्थ है जो कुशन है ना, तकिया, पिलो, तो तकिए के ऊपर एक साइगी बिखरा हुआ बाल दिखाई दे रहा था, बिखरा हुआ उसके सिर का बाल जो बिखरा हुआ था और सुनहरे रंग का दिखाई दे रहा था, मतलब अभी भी वो व्यक्ति लेटा हुआ था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप, और वो अभी सुन सकता था कितना शांति से वो सो रहा है और उसका श्वास लेने की आवाज को सुन सकता था। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने दोबारा से दरवाजा को चुपचाप से बंद कर दिया। He is asleep, he told Hana. तो उसने हाना को जाकर के बताया कि वो सो रहा है। He is almost well to sleep like that. तो बोल रहा है वो ऐसा ही, जब उसको बहुत अच्छा लगता है तो वो ऐसा ही सोता है, बोल रहा है। What shall we do with him? Hana whispered her old refrain. तो हाना पूछती है कि इस व्यक्ति के साथ हम लोग क्या करें? Refrain, refrain मतलब वही क्वेश्चन को वो बार बार पूछ रही है ना, टाइम एंड अगेन मतलब बार बार उसी क्वेश्चन को, उसी शब्द को दोहरा रही है कि इस व्यक्ति के साथ क्या करें, पहले भी वो बोल सके इसके साथ क्या करें, तो उसी बात को वो अभी भी दोहराती है। सदाव सुक हिज हेड, सदाव ने अपना सिर हिलाया। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, और बोलता है कि मैं इसको निर्णय कर लूंगा, एक या दो दिन में इसका निर्णय कर लूंगा। ही प्रोमिस्ड, और उसने उसको वादा किया, प्रोमिस्ड मतलब वादा किया। बट सर्टनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, लेकिन वह निश्चित ही सोचता है कि द सेकेंड नाइट, दूसरी रात तो वह वही रात होगी जब कौन आएंगे, हत्यारे लोग जरूर आएंगे दूसरी रात को, पहली रात चलो नहीं आए लेकिन दूसरी रात वो रात होगा जब लोग उसकी हत्या कर देंगे, वो ऐसा सोचता है।
देयर रोज अ विंड दैट नाइट, और उस रात को वहां सा थोड़ा सा आंधी चली उस रात को उस दिन, एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉक्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और उसने रात को सुना, क्या को सुना, लिसन मतलब सुनना, द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉक्स मतलब टहनियों के झुकते हुए आवाज को सुना, टहनियां जब झुकती हैं उस समय जो आवाज होता है उसको सुना, एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और जब दरवाजा है वो आगे पीछे जब मुड़ता है, आगे पीछे जब आता है हवा चलते आता है, और जब आगे पीछे वो होता है तो उसने जो सीटी बजाने की जैसे आवाज आती है उसको वो सुन पा रहा था। हाना वोक टू, हाना भी अभी जाग गई। वॉट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, सी आस्क, वो पूछ रही है क्या हम लोगों को उस बीमार व्यक्ति के कमरे में नहीं जाना चाहिए और उसके कमरे को बंद नहीं कर देना चाहिए, वो पूछती है, क्योंकि हवा चल रही है और इसलिए हम लोगों को उठ करके उस व्यक्ति के कमरे को जाकर के बंद कर देना चाहिए, वो पूछ रही है। नो सदा सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, तो सदा बोलता है नहीं, वो अभी उतना काबिल हो गया है कि वो खुद से वो दरवाजा बंद कर सकता है। तो सदा के मन में तो कुछ दूसरा ही चल रहा है, लेकिन अभी हाना कभी तक उस बातों को नहीं बताया है, ऐसे बोल रहा है नहीं, वो खुद ही काबिल है, खुद ही बंद कर लेगा, बोल रहा है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह हो जाता है तो अमेरिकन वॉज स्टिल देयर मतलब अभी भी अमेरिकन वहीं पर था, मतलब उसकी हत्या नहीं हुई। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो अभी सदाव सोचता है, अभी चलो दूसरा दिन भी बीत गया लेकिन तीसरा दिन तो निश्चित ही उसकी हत्या हो जाएगी ऐसा सोचता है, तो तीसरे रात को तुम लोग जरूर आएंगे सोचता है। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, तो जो आंधी तूफान चल रहा था हवा क्या में बदल गया, अभी पानी में, अभी बारिश होने लगा, रेन। एंड द गार्डन वॉज फुल, और बगान भर गया था, फुल मतलब फुल भर गया था, ऑफ द साउंड ऑफ ड्रीपिंग ईव्स, बगान में मतलब उस आवाज से भर गया था, ड्रीपिंग मतलब पानी के चूनने की आवाज से भर गया था, ड्रीपिंग का अर्थ है चूना, बूंद बूंद करके सुना, ईव्स, ईव्स का अर्थ है जो टेरेस इत्यादि में जो किनारा होता है, जो छज्जा का किनारा भाग होता है उसको ईव्स कहा जाता है। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और बगान में पूरा क्या पानी फव्वारे की तरह बह रहा था, रनिंग स्प्रिंग्स मतलब एक झरना की तरह बह रहा था, इतना अधिक बारिश हुआ था। सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, तो उस दिन थोड़ा सा सदाव को अच्छी नींद आई। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, लेकिन वो किसी मतलब टकराहट की आवाज को सुनकर के जाग गया, क्रैश मतलब कुछ आहट आई उसको, कुछ टकराने की आवाज आई और उस आवाज से वो जाग गया। एंड लिफ्ट एट हिज फीट, और उछल के अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, तो हाना चिल्लाती है, वो क्या है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगैन टू वेल, और उसकी आवाज सुन करके जो बेबी 3 माह का जो बच्चा था वो भी जाग गया, और वो क्या करने लगा, वेल मतलब वो रोने लगा, उसकी आवाज को सुनकर के वो जाग गया और रोने लगा। आई मस्ट गो एंड सी, तो बोलती है मेरे को जाकर के देखना चाहिए क्या हुआ, बोलती है। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन सदाव जो है उसको पकड़ लिया, हेल्ड है उसको पकड़ लिया, एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको वह जाने नहीं देता है, वहां उसको पकड़ लिया उसको जाने भी नहीं देता है। सदाव सी क्राइड, वो चिल्लाती है, सदाव बोलती है, व्हाट इज द मैटर विथ यू, बोल रही हो क्या रहा है तुमसे, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, और इसको तो पता है सदाव को, क्योंकि वो हत्यारे आए हैं ऐसा सोच रहा है, और मजे की बात है उसको नहीं बताया है, और इसलिए बोल रहा है हो क्या गया है तुमको, बोलती है। डोंट गो He muttered, "Don't go," और बोल रहा है मत जाओ, he muttered, वह बड़बड़ाता है, "Don't go," मत जाओ, ऐसा बोलता है वो। His terror infected her, and she stood breathless. तो उसका जो है डर था, infected मतलब संक्रमित हो गया, मतलब उसके ऊपर भी पार हो गया वो डर, और वो भी मतलब उसका सांस भी फूलने लगा, breathless मतलब उसका सांस भी फूलने लगा, waiting, और वो वैसे ही खड़े होकर वो भी इंतजार करने लगी। There was only silence. उसके बाद वहां पूरा क्या हो गया था, सन्नाटा सा गया था। टूगेदर दे केप्ट बैक इनटू द बेड, और एक साथ उन लोग फिर से वापस बिस्तर पर लेट गए। द बेबी बिटवीन देम, और उनके दोनों के बीच में कौन सो गया, बेबी। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग, और इसके बावजूद भी जब दूसरे दिन सुबह वो दरवाजा खोलता है गेस्ट रूम का, देर वॉज द यंग मैन, वहां पर अभी भी क्या था, वो नौजवान व्यक्ति था। ही वॉज वेरी गे, वो बहुत खुश था, गे करते खुश होना, यहाँ ये सब जो है गे करते खुश होना। And had already washed and was now on his feet. और अभी हाथ मुंह अपना धो लिया था और वो अभी खड़ा था, on his feet मतलब अभी वो खड़ा था। He had asked for a razor yesterday. तो बीता हुआ कल उसने एक रेजर मांगा था। And had shaved himself. और उसने अपना दाढ़ी मूंछ को कटा लिया था, shaved मतलब कटा लेना। And today there was a faint color in his cheeks. और आज जो है उसके गाल में थोड़ा बहुत रंग आ गया था, faint color मतलब थोड़ा बहुत पीला कलर था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत उनके चेहरे पर आज थोड़ा सा कलर मतलब लाल रंग थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। आई एम वेल,
सेड जॉयसली, और वह बहुत खुशी से बोलता है कि आज तो मैं ठीक हूँ बोलता है। सदाव ड्रू हिज किमिनो अराउंड हिज वेरी बॉडी, तो सदाव जो है अपना जो किमिनो, किमिनो मतलब जापानी पोशाक है, उसको वह खींचता है और उसको पहना उसके चारों ओर लपेट देता है, अराउंड हिज वेरी बॉडी मतलब उसके इस थके थके हुए शरीर के चारों ओर उसको लपेट देता है। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, तो उसके बाद में वो सोचता है कि अचानक से वो निर्णय लेता है, ही कुड नॉट, और वो बोलता है कि उनसे तो नहीं हो पाया, जो हत्यारे आने वाले थे उनसे तो नहीं हो पाया, और अचानक से अभी निर्णय लेता है, गो थ्रू अनदर नाइट, कि वो और अगला रात रात तक इंतजार नहीं कर सकता है, अगले रात तक कोई इंतजार ऐसा नहीं कर सकता है, वो सोचता है, तो इस तरह का अचानक से निर्णय लेता है। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, या ऐसी बात नहीं थी कि उसने इस नौजवान व्यक्ति के जिंदगी के बारे में उसको चिंता नहीं था, नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, लेकिन इससे भी अधिक, क्योंकि जो था यहाँ मतलब तनाव स्ट्रेन, कितना अधिक तनाव था उसके कारण से वो मैटर करता था, कितना उसको रखना यहाँ कितना अधिक तनाव था, क्योंकि उन लोग दिन रात ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, और इसलिए अगले रात तक वो इंतजार नहीं कर सकता है। ऐसे बात नहीं है कि उसकी जिंदगी के बारे में वो चिंता नहीं करता था, लेकिन इतना तनाव और अधिक वो नहीं झेल सकता है, इस तरह वो सोचता है, कौन सदा। तो आगे हम अगला वीडियो में हम देखेंगे, तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, अगले वीडियो में निश्चित ही हम ये पाठ समाप्त कर देंगे। तो आज हम इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो जरूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरा इस वीडियो चैनल को, तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी आप जरूर दबाइए, ताकि आपको सही समय पर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ हम क्लास को आज के लिए बंद करते हैं, हम फिर मिलेंगे चौथे पांचवा भाग में, ये पांचवा भाग तक इस वीडियो बना है, तो पांचवा भाग आप जरूर देखिएगा।